पैसा कम हो तो ZEE5 पे देख लीजिए भाई, पैसा लगेगा कम, बट समय बहुत ज्यादा होता है इस मूवी को देखने का। वरना एक चीज जो बहुत ज्यादा बेकार लगी वो ये है कि तापसी पन्नू ने ही इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, पैसा इनका लगा है इस मूवी में। तो हेलो फैमिली, मेरा नाम है कुणाल और हमारी मुलाकात होगी एक दूसरे नाल। तो दोस्तों आपको आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ब्लर मूवी का, जो कि आपको सिनेमा घर पे देखने को नहीं मिलेगी बल्कि आपको देखने को मिलेगी Zee5 पे, OTT पर ये मूवी रिलीज हुई है। लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगी तापसी पन्नू और गुलशन देवैया। आपने सोचा होगा कि दो बार तापसी पन्नू का नाम लिया, तो जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि इस मूवी में उन्होंने निभाया डबल रोल। दो बहनें हैं, एक का नाम गायत्री, एक का नाम गौतम। स्टोरी होती है स्टार्ट, गायत्री जो इनकी बहन होती है वो होती है थोड़ी सी अंधी। अंधी क्या, इस पर ब्लर मूवी है और बताया जा रहा है कि आपकी जो आई साइड है मतलब कि विजन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक दिन आप अंधे हो जाएंगे। तो गायत्री जो इनकी पहली बहन है वो उनकी आई साइड बहुत कम हो गया, उनको कुछ नहीं दिखता और उन्होंने कर लिया सुसाइड। इनके पति जो गुलशन है वो दोनों इनसे जाते थे दूर, और जब इन्होंने देखा कि इन्होंने सुसाइड कर लिया तो इन्होंने पुलिस केस किया। पुलिस ने भी तहकीकात की तो पता चला कि ये एक सुसाइड केस ही है। अब तापसी पन्नू जो गौतमी है, मतलब गायत्री तो मर गई, अब जो गौतमी है वो नहीं चाहती है, वो नहीं मानती कि मेरी जो बहन है उसने ये सुसाइड किया होगा। जरूर कोई ना कोई रीजन रहा होगा या फिर किसी ने इसका मर्डर किया। तो पूरी मूवी इसी पर रहेगी आधारित की देखते आखिर तक क्या सुसाइड किया या फिर मर्डर किया, अगर मर्डर किया तो किसने किया। शुरुआत से लेकर आखिरी तक ये मूवी आपको बांध के रखेगी। इतनी ज्यादा सस्पेंस थ्रिलर मूवी है कि लास्ट तक आपको बांध के रखेगी और आप लास्ट तक सोचते रहेंगे यार कौन है। अच्छा पूरी मूवी में दिखाया भी नहीं जा रहा, पर इस मूवी में इतने इलॉजिकल चीजें दिखाई गई हैं, मतलब लॉजिक के परे चीजें दिखाई गई जो आप सुनेंगे यार क्या क्या बातें हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं तो सोचेंगे आपका दिमाग खराब कर देंगे, कि सोचने में मजबूर कर देंगे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि न सर न पैर कोई भी लॉजिक नहीं है उस सीन का, उस डायलॉग का, उस चीज का, पर फिर भी यहाँ पर वो चीजें दिखाई गई हैं। जैसे कि एक डायलॉग होता है वो जो इनकी जो बहन है समझिए जो मर गई है वो तो अलग, इनको भी वही चीज बीमारी स्टार्ट होना, जब उनके मरने के बाद वही बीमारी स्टार्ट होने लगी है। अब देखिए कैसे, या तो बचपन से साथ में होती पर नहीं, जब वो मरी उसके बाद वो बीमारी इनको आने लगी है। अब डॉक्टर बोलता है कि आपके पट्टी बांधी जाएगी और उसके साथ साथ आपके लिए रोशनी जहर है, जब आप पट्टी मत खुलेगा आपके लिए रोशनी जहर है। भैया उसको रोशनी तो चाहिए, वो तो जहर कैसे हो सकती है। ऐसे बहुत सारी इलॉजिकल चीजें इसमें बताई गई हैं। सस्पेंस आखिरी तक बना रहेगा, थ्रिलर आखिरी तक बना रहेगा, पर जब आखिरी में क्लाइमैक्स में आप जब ये भांडा फूटेगा ना तो आपको वो मजा ही नहीं आएगा यार। आप मैं कहता हूँ उस मूवी का नाम ब्लर की जगह ब्लाइंड होना चाहिए तो वो ज्यादा बेहतर था। सूत्रों के मुताबिक माना जाए तो बताया गया कि जो तापसी पन्नू है उन्होंने आधी से ज्यादा मूवी को आंखों में पट्टी बांध कर ही शूट किया। अब उन्होंने तो किया, साथ में मैं भी आपको रिकमेंड करूंगी आधी से ज्यादा मूवी को आप पट्टी बांध कर देखें, क्योंकि वो देखने लायक नहीं है। तो पट्टी बांध कर देखेंगे तो इस मूवी का एक डायलॉग है कि आंखों में पट्टी बांधने के बाद, आंखें बंद करने के बाद कद गाठी रंग रूप से परे एक अलग ही आपको फील होगा, प्यार होगा। उस चीज को यहाँ पर डायलॉग है वही मैं कहता हूँ कि भैया आप आंखों में पट्टी बांधो फिर इस मूवी को देखो आधे ज्यादा, तभी आपको आने वाली मजा। वरना आप कहेंगे यार मेरा, आपके पास अगर पैसा कम हो तो ZEE5 पे देख लीजिए भाई, पैसा लगेगा कम, बट समय बहुत ज्यादा होता है इस मूवी को देखने का। वरना गुड से एक और कहानी है, क्योंकि ये रीमेक है, स्पेनिश मूवी की रीमेक है, जूलियस आइस की रीमेक है। इससे पहले तापसी पन्नू ने एक और रीमेक बनाई थी इसी साल, वो थी 2012। फर्क बस इतना था 2012 जो थी वो भी स्पेनिश मूवी थी, पर वो रिलीज हुई थी थिएटर पे और ये रिलीज हुई है OTT प्लेटफॉर्म में, बस इतना ही फर्क है। अक्षय कुमार के बाद अगर कोई बहुत ज्यादा बेहतरीन रिमेक बना के ला रहा है तो वो है तापसी पन्नू। दोनों ही रिमेक में रिमेक बनाते जा रहे हैं। अक्षय कुमार की कठपुतली को देख लीजिए, वो भी पहाड़ों पर बनी थी और पहाड़ों में शिमला में जाकर शूटिंग हुई थी, और ये मूवी भी उत्तराखंड के पहाड़ों पर जाकर शूटिंग हुई है। अब जितने लोग उत्तराखंड में रहते हैं उनसे सवाल है, क्या आपको इस मूवी की शूटिंग देखने को मिली भी है कि बस ये सिर्फ एक रूमर्स है कि पहाड़ों पर जाकर इस मूवी की शूटिंग हुई है। ओवरऑल आप, मैं कहना चाहूंगा कि यार इस मूवी को मैं रेटिंग दूं तो स्टोरी को 5/2 देना चाहूंगा, कि भाई इतना कुछ भी इसमें नहीं है। लास्ट तक बांधने भले रहेगी पर लास्ट में जब इसका भरना फूटेगा तो आपको बिल्कुल नहीं आएगी मजा। डायरेक्शन के लिए मैं थोड़ा सा नंबर देना चाहूंगा, 5 में से इसको 3 नंबर देना चाहूंगा, और स्क्रीन प्ले जो इतना स्लो चल रहा है वो भी ठीक है, इसके लिए भी मैं 5 में से इसको 3 नंबर दूंगा। बट एक्टिंग के लिए जो तापसी पन्नू ने एक्टिंग की, एक्टिंग काफी सही की है, पर एक चीज जो बहुत ज्यादा बेकार लगी वो ये है कि तापसी पन्नू ने ही इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, पैसा इनका लगा है इस मूवी में। तो ज्यादा टाइम स्क्रीन टाइमिंग जो मिला है वो तापसी पन्नू को मिला है और तापसी पन्नू के कंधे पर ही ये पूरी मूवी डिपेंड है। उनके पति मतलब गुलशन जो एक बेहतरीन एक्टर है उनको बहुत ही कम रोल मिला है और बहुत छोटा सा रोल मिला है, मतलब बहुत इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया, तो वो चीज थोड़ी सी मुझे लगी खराब। तापसी पन्नू ने अच्छी ठीक ठाक एक्टिंग की है पर काश स्टोरी थोड़ी और बेहतर होती और सस्पेंस जो थ्रिलर लास्ट में जो आया ना वो भी थोड़ा और बेहतरीन करना चाहिए था। हाँ हो सकता कुछ को 10 में से 2-4-5 को मूवी बहुत प्यारी लगे, पर वाकई में मुझे तो बिल्कुल प्यारी नहीं लगी, तो मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा आपको। वीडियो करता हूँ यहीं पर समाप्त, वीडियो करिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मूवी बाज एलियन को मिलता हूँ अगले वीडियो में।